इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। AIR FM 100.1 MHz पर प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। आज यानी 1 दिसंबर 2020 को किसान की बात के इस अंक को पेश कर रहे हैं हम, यानी मेघा और रजत। हम दोनों करेंगे किसान की बात। किसान के साथ, खेती के साथ बहुत सारी बातें होंगी हमेशा की तरह। बिल्कुल, आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह होगी खास बातचीत, जानकारी और मनोरंजन। अब आगाज करते हैं मेघा कार्यक्रम का। और सबसे पहले जो आज सबसे महत्वपूर्ण जो आजकल एक विषय चल रहा है वो है कृषि संबंधित सुधारों का कानून, कृषि सुधार कानून इन्हें कहा जा रहा है। भारत सरकार बहुत ही जोर शोर के साथ इन कानूनों को लेकर आई है। हम बता दें कि जितना हम समझ पाए हैं इन कानूनों को अभी तक, उनमें किसानों के सुधार की बात, कृषि की संस्कृति को विकसित करने की बात की जा रही है, उसे धीरे धीरे उस आयाम तक पहुंचाने की बात की जा रही है, उस मुकाम से जोड़ने की बात की जा रही है जहां हमारा अन्नदाता डिजर्व करता है पहुंचने के लिए। बिल्कुल, और इन कानूनों से खेती बाड़ी की दशा और दिशा में होगा सुधार। इन कानूनों के माध्यम से किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है। कृषि सुधार कानूनों की मजबूती लेकिन मेघा तब तक है जब अवसंरचना या कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होंगे। इस दिशा में भी पहल की गई है भारत सरकार की तरफ से। एक ऐसी पहल की गई है कि अवसंरचनाओं को हर छोटे बड़े किसान तक पहुंचाया जाए। इससे किसान भाइयों को ऋण लेने में आसानी होगी। तो श्रोताओं, कृषि अवसंरचना कोष के संबंध में और लाभकारी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार। उनसे बातचीत कर रही हैं प्रीति। आइए सुनते हैं कृषि अवसंरचना कोष पर ये बातचीत। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 100.1 FM गोल्ड पर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी होती हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर प्रमोद कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब प्रधान वैज्ञानिक है, कृषि विभाग में है, वहां से जुड़े हैं। और डॉक्टर साहब, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और किसानों के लिए फायदेमंद भी है, लेकिन किस तरह से कैसे, आज इसी चर्चा करेंगे। इस योजना के तहत सरकार ने 1 लाख रुपए का आवंटन किया है और ये योजना 10 साल तक चलेगी। और इसके तहत ये जो 1 लाख रुपए है इसको 4 साल में दिया जाएगा। पहले साल में, जो कि इस साल में, 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद वाले 3 सालों में 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं वो बना के हम इसमें दे सकते हैं और लोन पा सकते हैं और उसका उपयोग हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कर सकते हैं। तो इसलिए यह कार्यक्रम लाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम सरकारी जो निवेश हैं वो किस हद तक सफल होंगे। यह योजना जो है निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है और ये जमीनी स्तर तक कार्य करने के लिए या प्रोग्राम को चलाने के लिए या प्रोजेक्ट जो है उनको आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा गांव घरों तक, इसलिए ये योजना लाई गई है। 2 रूप है। एक तो इंटरेस्ट में सब्सिडी देगी सरकार, 3% का सब्सिडी का प्रावधान है इसके तहत, और दूसरा क्रेडिट गारंटी का भी प्रावधान है। इसके तहत एक रियायत ये दी गई है कि जो लोन लिए हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए और प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करने के दौरान 6 महीने से 2 साल तक हमें कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और इसमें न्यूनतम और अधिकतम ऋण लेने की सीमा क्या है, कितना ले सकते हैं? तो इसके तहत इस योजना में 2 करोड़ तक की सीमा निर्धारित की गई है। ये 2 करोड़ की सीमा जो है, इससे प्रोजेक्ट आपका 2 करोड़ से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन जो इंटरेस्ट में या ब्याज दर में जो रियायत दी जा रही है 3% की, ये रियायत जो है 2 करोड़ तक के लोन के लिए ही एप्लीकेबल होगा। और उससे ऊपर अगर आपने लोन लेना चाहते हैं या आपका प्रोजेक्ट ऊपर उसके ऊपर जा रहा है तो उसके लिए बैंक जो ऋण चार्ज कर रही है उतना देना पड़ेगा। और इसमें एक चीज मैं और जानना चाह रही थी, जैसे हम ऋण लेते हैं तो वो गारंटी भी जरूर मांगते हैं कि गारंटी कौन दे रहा है, तो किसान मित्रों के लिए गारंटी कौन देगा या कैसे उसका प्रावधान किया गया है? यही एक मेजर खामी थी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप हो रहा था, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में एक कोलैटरल मांगा जाता है, मतलब कि आपकी जमीन या आपका घर या कुछ भी गिरवी रखना पड़ता है उतने जितने अमाउंट का आप लोन ले रहे हैं। इसमें सरकार जो है वो रिस्क बियर कर रही है, इसलिए क्रेडिट गारंटी हम कह रहे हैं ये सरकार देती है। और इसका जो फीस है
जो बैंकों को क्रेडिट गारंटी करने के लिए उसका फीस होता है, वो फीस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी। सो दो प्रकार के भार जो है इस योजना का सरकार बियर कर रही है। एक है 3% का ऋण जो दे रही है, सब्सिडी दे रही है सरकार, और दूसरा क्रेडिट गारंटी में जो फीस लगता है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। बेसिकली जो लोग योजना का लाभ ले सकते हैं वे हैं FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कृषि उत्पाद संगठन जो है, ये ले सकते हैं। दूसरा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह, ये भी इसमें प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, तो इस तरह से ये लोग जो हैं प्रोजेक्ट को बना सकते हैं और बैंकों में जमा करके और लोन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे किसान भाई बहन लेना चाहते हैं और एक अमाउंट उन्होंने फिक्स किया और सोचा कि हम ये बनाना चाहते हैं, सारी चीजें उनके दिमाग में क्लियर है, तो क्या उनके पास अपनी पूंजी भी होनी चाहिए जो उन्हें खुद भी निवेश करना है तब मिलेगा, ऐसा कुछ भी है इसमें? हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि हर लोन में एक अपना स्वयं का भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो इस योजना के तहत भी हमें 10% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन देना है तभी हमें जो है लोन मिलेगा, बाकी 90% बैंक से मिल जाएगा। तो 10% का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें खुद देना है। सरकार ने एक पोर्टल बनाया है ताकि उस पोर्टल में हमें अपना इन्फॉर्मेशन देना है, पहले सारी चीजें भरनी है, नाम, नंबर, एड्रेस, ईमेल और सब चीज ब्यौरा भरना है, उसमें लोन कितना चाहिए वो ब्यौरा भरना है, और फिर DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो हमने अपना प्रोजेक्ट लेना है जिसके लिए लोन लेना है, वेयर हाउस हो, कोल्ड स्टोरेज हो, साइलोज हो, जो भी है, तो उसका एक तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है कि उसमें कितनी लागत आएगी, कितना फायदा होगा, और कब कब जो है हमें और कितना कितना अमाउंट चाहिए और कितने सालों का प्रोजेक्ट है, ये सब बना के हमें उसमें अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद वो जाएगा बैंकों के पास जाएगा और वो बैंक जो है उसको देखेंगे हम लोगों का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, अगर वो उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हाँ ये फायदेमंद चीज है या अच्छा है, प्रोजेक्ट बना है, तो उसके बाद वो अप्रूव करेंगे उसको। उनके अप्रूवल के बाद लोन अमाउंट जो सैंक्शन हो जाता है और हमारे खाते में चला आता है। जब हमारे खाते में आ जाता है उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें जो 3% का जो रिबेट है वो दे देती है बैंक को अप्रूवल के बाद, वो अप्रूवल के बाद, और उसके बाद जो क्रेडिट गारंटी का जो फीस है वो भी सरकार जो है बैंक को दे देती है। डॉक्टर प्रमोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। कृषि अवसंरचना कोष पर अभी आपने हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार से ये साक्षात्कार सुना और साक्षात्कार कर रही थी प्रीति। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और ग्रामीण नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 लागू किया है। मेरे देश का किसान जो उत्पादन करता था न वो अपनी मर्जी से बेच सकता था, न अपनी मर्जी से जहां बेचना चाहता था वहां बेच सकता था, उसके लिए जो दायरा तय किया था वहीं बेचना पड़ता था, उस सारे बंधनों को हमने खत्म कर दिया है। इस कानून के तहत कृषि उपज की व्यापार की राह को आसान बनाया गया है। APMC के साथ साथ किसानों को विकल्प के रूप में एक और माध्यम से व्यापार करने की आजादी मिल गई है। इस अधिनियम के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि का भी व्यापार हो रहा है। अब किसान और व्यापारी APMC मंडी परिसर के बाहर भी व्यापारी, निर्यातक, प्रोसेसर और रिटेलर आदि से खरीद बिक्री कर सकेंगे। ये व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर किए जा रहे हैं। इस अधिनियम में व्यापार करने के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे व्यापार क्षेत्र में जिस व्यापारी के पास पैन कार्ड हो वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन FPO या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है।
कारोबारी लेन देन और भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा का प्रावधान है। इससे लेन देन में पारदर्शिता के साथ साथ इसका पूरा रिकॉर्ड भी दर्ज रहता है। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को MSP मिलता रहा है और इसके तहत खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था भी पहले की तरह जारी रहेगी। APMC मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यापारियों पर जुर्माने का प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय SDM के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। किसान अपने मोबाइल से भी इस व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 किसानों की आजादी का अधिनियम है। किसान अब अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। किसान अब किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। सशक्त अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत। FM 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात मेघा और रजत के साथ। आज 1 दिसंबर है और आज पंचांग के अनुसार भी मार्गशीर्ष वद एकम है और सर्दियों का आभास मुझे तो होने लगा है। रजत, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लगभग पूरे उत्तर और उत्तर मध्य भारत को शीतलहर ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है और इस बार ये थोड़ा जल्दी कह सकते हैं, पिछले 10-15 सालों की तुलना करें तो पदार्पण जल्दी हो गया है सर्दी का। और मौसम की हम बात कर रहे थे मेघा, तो चलते हैं सबसे पहले मौसम और बाजार की तरफ। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के गांवों में सप्ताह के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बादलों की स्थिति 2 अक्टा रहेगी। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 93% और न्यूनतम 50% रहने की संभावना बनी हुई है। हवा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा उत्तर उत्तर पश्चिम रहेगी। इसके अलावा किसानों को ये सलाह दी जाती है कि समय पर बोई गई सरसों की फसल में विरलीकरण और खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें। जिन किसानों की सरसों की फसल 35 दिन की हो गई हो, वे अगले 5 दिनों तक वर्षा न होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहली सिंचाई करें। तो ये थे कृषि संबंधी परामर्श और मौसम की जानकारी। अब रुख करते हैं बाजार का। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर सब्जी मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार आज के बाजार भाव कुछ इस प्रकार हैं: सेब 125 रुपए प्रति किलो, चीकू 65 रुपए किलो, माल्टा 34 और शरीफा 50। सब्जियों की अगर बात करें तो टमाटर का भाव रहेगा 28 रुपए प्रति किलो, मेथी 10 रुपए किलो और बैंगन 12 रुपए किलो। तो ये थे आज के बाजार भाव। अब आगे बढ़ते हैं किसान की बात की अगली जमीन की तरफ। और इस जमीन पर मैं ये देख रहा हूँ कि फसलें हैं, फसलों के बीच से आती हुई खुशबू है और खुशबू के बीच से आती हुई धीमी धीमी मंद मंद लोकधुन। और आज हम लेके आपको चल रहे हैं राजस्थान की तरफ। आइए सुनते हैं ये राजस्थानी लोकगीत। Me
मेघा, भारत सरकार के द्वारा सामाजिक सरोकारों की पहले हुई, उसी में एक पहल थी आत्मनिर्भर भारत। समाज और अर्थव्यवस्था के हर पहलू को आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ा गया। हम अपने पैरों पर खड़े हों और इस बीमारी से ही नहीं आने वाली चुनौतियों से भी लड़ें। उन्हीं में एक पहल आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में की गई। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मत्स्य पालन के जरिए या मछली पालन के जरिए हम किस तरह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना कर सकते हैं और इसके किस किस तरह के आयाम हो सकते हैं। तो इस विषय में आइए और ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर रायजादा से, जो कि एमेरिटस साइंटिस्ट हैं और पूर्व सहायक महानिदेशक हैं मत्स्य पालन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। किसान भाइयों, जैसा आप सभी को मालूम है कि पिछले 8 से 9 माह से सारा देश कोविड-19 वैश्विक महामारी की चपेट में है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 12 मई 2020 को एक नए राष्ट्रीय पैकेज आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ निवेश का प्रावधान इन स्थितियों से निबड़ने के लिए किया गया है। यह राहत पैकेज मुख्य रूप से कृषि, हथकरघा, छोटे तथा मझोले उद्यमों, देश के गरीब व्यक्तियों तथा मजदूरों को राहत प्रदान करने के लिए किया गया है। चूंकि मांसिक कृषि का एक अभिन्न अंग है, इस पैकेज द्वारा इस सेक्टर को भी एक विशेष राहत प्रदान की गई है। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत विश्व मांसिकी में दूसरा स्थान रखता है तथा पिछले 5 वर्षों में 10.88% वार्षिक दर के साथ हमारा मत्स्य उत्पादन 137.85 लाख टन पहुंच गया है। सूर्य की भांति उभरते हुए इस मांसिकीय सेक्टर को तीव्र गति प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एक नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है, जिससे इस सेक्टर के विकास को तीव्र गति प्रदान की जा सके। ₹20,050 करोड़ की यह पंचवर्षीय योजना वर्ष 2020-21 से प्रारंभ होकर वर्ष 2024-25 तक सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित रहेगी। इस योजना के अनेक दूरगामी प्रभाव होने की संभावना है, जिसमें मुख्य है भारत का जो वर्ष 2018 में मत्स्य उत्पादन 137.58 लाख टन था, वह वर्ष 2024-25 में 220 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है। हमारी औसत सकल मूल्य वर्धन दर जो वर्ष 2018-19 में 7.28% थी, वे 9% तक स्थापित होने की संभावना है। भारत एक मत्स्य का बहुत बड़ा निर्यातक देश है। वर्ष 2018-19 में हमारे देश ने करीब 46,589 करोड़ रुपए मत्स्य निर्यात द्वारा अर्जित किए थे, जिसे वर्ष 2024-25 में करीब 1 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। हमारे देश में मांसिकी का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस करीब 20-25% है। इस योजना के अंतर्गत इसे घटाकर 10% तक लाने की संभावना व्यक्त की गई है। इसी प्रकार हमारे देश में मांस की खपत अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। वर्तमान में यह लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, जिसे 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तक बढ़ाने की संभावना इस योजना के अंतर्गत की जाएगी। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत करीब 50 लाख प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े नए रोजगार स्थापित भी किए जाने की संभावना है। इस राष्ट्रीय योजना का अनेक व्यक्तियों व संस्थानों को लाभ मिलने की संभावना है, जिसमें मुख्य रूप से है मछुआरे, मत्स्य किसान, मत्स्य कार्यकर्ता, मत्स्य विक्रीकर्ता, शिरूर का शिरूर ट्राइब, महिलाएं तथा बधिरों को इसमें सब्सिडी देने का विशेष प्रावधान रखा गया है। साथ में ही जो मांसिकी से जुड़े जितने संस्थान हैं, जैसे मत्स्य सहकारी समितियां, फेडरेशन, फिश फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, मत्स्य विकास संघ, सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा एकल उद्यमी है, इनको भी इसमें विशेष राहत दी जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर बनाई गई है, जिसमें खास तौर से खुले जल क्षेत्रों का विकास है, जिससे कि वहां से मांसिकी का उत्पादन बढ़ाया जा सके तथा उसको सस्टेनेबल बनाया जा सके। साथ में ही तालाबों से जो मत्स्य उत्पादन किया जाता है, उसकी उत्पादन क्षमता उत्पादकता को औसतम और सस्टेनेबल बनाना है, जिससे कि निरंतर इतना उत्पादन प्राप्त किया जा सके। मछली में मूल वर्धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा जो है पूरा किया जाएगा। मछली की गुणवत्ता में भी सुधार किया जाएगा। मछुआरों व मत्स्य किसानों की आय दुगना करने का प्रधानमंत्री पहले ही आग्रह कर चुके हैं,
जिसको इस योजना के अंतर्गत खास ध्यान रखा जाएगा। हमारा जो सकल मूल वर्धन है तथा निर्यात है, इसको भी बढ़ाना है। मछुआरों तथा मत्स्य किसानों को सामाजिक, शारीरिक तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना भी है तथा मास्क के प्रबंधन तथा कंट्रोल ढांचों को सुदृढ़ करना है। किसान भाइयों, अगर वित्तीय रूप से हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर ध्यान दें तो इस योजना के दो प्रत्यक्ष भाग हैं। पहला भाग है केंद्रीय सेक्टर स्कीम तथा दूसरा भाग है केंद्र पोषित स्कीम। केंद्र सेक्टर स्कीम खास तौर से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है और जिसमें निवेश का पूरा योगदान केंद्र सरकार या उससे जुड़े जो एंटिटीज होते हैं, मतलब संस्थान होते हैं, इनके द्वारा किया जाता है। इसका किसान भाइयों से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। लेकिन जो दूसरी स्कीम है, केंद्र पोषित स्कीम CCS जिसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत लाभार्थियों तथा गैर लाभार्थियों दोनों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। किसान भाइयों, जो योजना आप लोगों से जुड़ी है वो है CCS गैर लाभार्थी योजना। इस योजना के अंतर्गत निवेश का प्रावधान केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा लाभार्थी द्वारा स्वयं की जाती है। इसमें मुख्य रूप से दो पहलू रखे गए हैं। पहला पहलू है कि जो एक्टिविटीज खास तौर से जो वर्तमान में हो रही हैं उन पे अनुदान देने की है, जबकि दूसरी है कि जो हम 21वीं सदी के लिए आगे बढ़ने के लिए जो नई तकनीकों के विकास के बारे में सोच रहे हैं उसके ऊपर है। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित जो स्कीम है वो ये है कि किसान भाई अगर नई हैचरी स्थापित करना चाहते हैं, चाहे वो मीठे पानी की हो, चाहे वो खारे पानी की हो, चाहे वो समुद्री जल की हो, इसके हैचरी स्थापित कर सकते हैं। अगर उनको तालाब बनाना है तो तालाब बना सकते हैं। तालाब के साथ में अगर पुराने तालाब है तो तालाबों को सुधार भी कर सकते हैं। इसके साथ ही शीत जल मास्की को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शीत जल की मास्की हैचरी बना सकते हैं तथा रेसवे बना सकते हैं। ऑर्नामेंटल फिशरीज भी हमारे देश में काफी तेजी से बढ़ रही है, इसके लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। सबकी अनुमानित लागत जो है अलग अलग है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए जो है किसान भाई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और किसान भाई ऑनलाइन देखकर भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वित्तीय ढांचे में नई तकनीक के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से है बायोफ्लॉक सिस्टम जो आज बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ रहा है, तथा रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर RAS जिसमें कि पानी को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दोनों तकनीक के ये फायदे हैं कि इसमें पानी का उपयोग बहुत कम होता है और यह छोटे से स्थान में ज्यादा से ज्यादा मत्स्य उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली तालाबों में मछली पालने के वनस्पत काफी ज्यादा होता है। इसलिए इसके तीन स्तर रखे गए हैं। पहला है छोटे स्तर पर काम करना, दूसरा है मध्यम स्तर पर काम करना और तीसरा है विस्तृत या लार्ज स्केल पर काम करना। उसके हिसाब से ही इसमें अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। तो किसान भाइयों, अगर आप नया तालाब बनाना चाहते हैं या तालाब में सुधार चाहते हैं या नई तकनीक का इस्तेमाल जैसे कि RAS और बायोफ्लॉक में करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा काफी राहत प्राप्त कर सकते हैं। इसमें काफी अच्छे अनुदान की भारत सरकार ने प्रस्तुति की है। मोटे रूप से अगर कहूं तो एक सामान्य व्यक्ति को करीब 40% तक योजना का जो प्रोजेक्ट बनता है उसका जो है अनुदान प्राप्त हो जाता है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिलाएं वे बधिर हैं, उनको करीब 60% तक का अनुदान प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो भी किसान भाई मत्स्य कार्य करना चाहते हैं वो स्कीम का भरपूर लाभ उठाएं, देश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाएं और देश में रोजगार के साधन को भी उजागर करें। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आत्मनिर्भर भारत के तहत मत्स्य पालन के नए आयाम, इस विषय पर जानकारी डॉक्टर सुधीर रायजादा से, जो कि इमेरिटस साइंटिस्ट और फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल फिशरीज हैं ICAR में। मेघा, अपने कार्यक्रम में हम अक्सर अलग अलग विशेषज्ञों से भी बात करते हैं और अलग अलग विषयों के साथ असली जानकार हमारे अन्नदाता से भी बात करते हैं। बिल्कुल रजत, तो आइए जानते हैं कि हमारे किसान मित्र हबीबुर रहमान अमरूद की खेती के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं। किसान की बात हम सब के साथ। मैं
कस्बा रटौल, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश से हूँ। हबीब खान मेरा नाम है सर। अमरूद की जो पौध या जो पेड़ लगाया जाता है कौन से सीजन में लगाया जाता है? अमरूद का मेनली जो है आपका जून और जुलाई, थोड़ा सा अगर सर्दी में चले तो अगस्त सेप्टेम्बर में, बरसात का मौसम जैसे शुरू होता है तभी शुरू हो जाता है। तकरीबन ये 2 साल इसकी देखरेख करनी पड़ती है, 2 साल के बाद फिर फ्रूट आने शुरू हो जाते हैं। जैसे तो 8-10 वेरायटी मेन है, लखनऊ नंचस है, बर्फखाना है, एक इलाहाबाद सफेदा है, एक थाईलैंड की वैरायटी आई है और एक ताइवान रेड के नाम से आई है, वो अंदर से गूदा उसका रेड होता है थोड़ा सा। देसी अमरूद जो है जैसे लखनऊ नंचस है, बर्फखाना, इलाहाबाद सफेदा, ललित, ये खाने में थोड़ा सा मीठा है हल्का सा, और ये जो बाहर से हाइब्रिड अमरूद आ रहा है ये थोड़ा सा फीका है, कड़क है थोड़ा सा, और रेट थोड़ा सा इसका अच्छा होता है हाइब्रिड का। हाइब्रिड खूबसूरत है थोड़ा सा देखने में तो उसकी डिमांड ज्यादा है। तकरीबन 60-70% जैसे पक जाता है ना अमरूद तब उसकी तुड़ाई करते हैं, और इसे नॉर्मली सिंपल पेपर में ना लपेट कर रख देते हैं, एक दिन में सही हो जाता है, 1-2 दिन में, मतलब दूसरे दिन आप मंडी भेज सकते हैं। जिस भाई को शुगर वगैरह जैसी कोई दिक्कत है ना तो इसके पत्तियों का अर्क बना के पी सकते हैं, मतलब पानी में बॉयल करके ना कुछ पत्तियां, वो सर्दी जुकाम और शुगर वगैरह और मोटापा फैट को कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मेघा, घड़ी की सुइयों ने इंगिति देनी शुरू कर दी है कि अब हमें कार्यक्रम को यहीं विराम दे देना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कल के किसान की बात कार्यक्रम का विषय क्या रहने वाला है। कल यानी कि 2 दिसंबर का हमारा खास विषय होगा मौसम्बी, कीनू और नींबू के बागों की देखभाल। इस पर हमें जानकारी देंगे डॉक्टर AK दुबे। साथ ही साथ ये लाइव प्रोग्राम होगा, आप चाहें तो हमारे स्टूडियो में डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, फोन का नंबर आपको कार्यक्रम के दौरान ही बताया जाएगा। अनुमति लेने से पहले अपने श्रोता मित्रों से एक निवेदन ये करेंगे कि कार्यक्रम के किसी भी संस्करण को लेकर आपके मन में कुछ भी शिकायत, सुझाव, राय, परामर्श या मशविरा आता है तो उसे अपने तक ना रखें और सीधे बेबाक हम तक पहुंचा दें। हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। तो रहेगा हमें इंतजार आपके प्रतिक्रियाओं का, भेजते रहिए और जुड़े रहिए कार्यक्रम किसान की बात के साथ। फिलहाल इस संस्करण को संपन्न करने की अनुमति दीजिए रजत और मेघा को। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।